ओपन माइंडेड होंगे, रोमांटिक होंगे, खुली खुली बातें करेंगे। अनसर्टेनिटी आपके ऊपर आ सकती है जिससे आप सेंसिटिव हो जाएंगे, डिप्रेस हो सकते हैं। सैटर्न जो होता है ना वो डिले का लॉर्ड है और आपके मामलात को स्लो कर देता है, आप खुद भी स्लो हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे सुस्ती की बोरी बन गए हुए। जुपिटर और सन साथ इकट्ठा बैठा तो दयालु भी हो जाएंगे, कभी बहुत पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होगा और कभी बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होगा। आप लूट मार करके अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करेंगे, आप खुद से चुने हुए दोस्तों के साथ शराकतदारी भी करेंगे। दूध से बनी हुई चीजें ये दो दिन में आपने परहेज करना है, कोई वैसे दूध सोडा ये वो ये आपको खराब कर सकता है। फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग मज़ भी ट्रैवलिंग नजर आती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और ये प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ्ता कैसा रहेगा प्रोग्राम का, ये इस महीने जो हफ्ते का स्टार्ट हो रहा है इसमें मेजर चेंज सन की है, सन तब्दील होगा, वीनस 17 को तब्दील हो चुका है और उसके अलावा मरकरी आपके असेंडेंट में आ जाएगा। तो कह लें कि 20 से 21 से आपका अप्रैल का महीना यानी कि एरीज का महीना भी शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रा बड़ा अच्छा अब टाइम आना शुरू हो रहा है एरीज, ख़ासतौर पे आपके असेंडेंट में इसको जुपिटर बैठा है तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो वही पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री मैं करूँगा। ये पहला सेगमेंट है एरीज टॉरस जेमिनी और कैंसर। तो स्टार्ट करते हैं हम एरीज से। एरीज क्या हाल आपका, ठीक है? स्टार्ट आपके बारहवें घर से हो रहा है, स्टार्ट ज़रा थोड़ा सा कह लें कि बारहवां घर है और मून और सैटर्न वहाँ पे। वो सैटर्न रिसेंटली अभी यहाँ पे आया और पाइसेस में जब सैटर्न आता है तो बारहवें घर में तो ट्रैवलिंग वगैरह और कुछ इस तरह का आता है। अच्छा, मून और सैटर्न की जो कम्बिनेशन है, पहले तो हम देखते हैं कि बारहवें का लॉर्ड आपके सैंडर्ड में बैठा हुआ तो कुछ ओपन माइंडेड होंगे, रोमांटिक होंगे, खुली खुली बातें करेंगे, खूब यानी कहेंगे कि वो बातें जो नहीं करनी चाहिए सरे हम वो भी कर जाएंगे। अखलाकियात के दायरे को आपने बाहर नहीं निकलना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और आपने आपको कंपोज रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि बारहवें घर में मून और सैटर्न तो आप थोड़े से रोमांटिज्म और कह लें इश्क और इस मामलात में हिडन अफेयर्स और ये सारी चीज़ों में पढ़ेंगे और फिर उसको ओपन भी करेंगे और फिर उसको कहते हैं ना शो मारनी होता है, यार मैं डेट मार के आए हैं, आज मैं ये करके आए हैं, तो इस किस्म की बातें आपके मुंह से निकल सकती हैं जिससे आपका काम ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है कि अपने आप को कंपोज रखिएगा, सीरियस रखिएगा और राजो न्याज की अपनी जो सीक्रेट होते हैं, इनर सीक्रेट होते हैं, उसको किसी के साथ शेयर ना कीजिए। और दूसरे के सामने ओपन करेंगे तो फिर आपके ही सुक्की होगी, आप ही की अपनी, तो लोग तो पहले इंजॉय करेंगे लेकिन दिल में कहेंगे ये क्या फजूल आदमी है, कैसे कैसे घटिया बातें कर रहे हो। तो इस कमेंट से बचने के लिए अपने आप को कंपोज रखिएगा। यहाँ पे आप सैर सपाटा घूमते फिरते और खुशगबियाँ लगाते नज़र आते हैं, नींद बढ़िया आएगी। यहाँ पे सीनियर सिटीज़न जो हैं जो ओल्ड एरिया में, तो वो भी कोई ट्रैवलिंग, कोई सैर सपाटा, कोई मान मौज मस्ती ये वो, उनके लिए भी ये अच्छा टाइम होगा। और यहाँ पे एक चीज़ है कि मून और सैटर्न जब इकट्ठा होता है तो बंदा थोड़ा सा सीरियस होके काम करता है और काफ़ी वो कह लें कि वरीड रहता है, खौफ उसके ऊपर सवार होता है कि यार कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है। और वसवसे जो होते हैं ना वो बंदे को अनसर्टन करते, तो अनसर्टनिटी आपके ऊपर आ सकती है जिससे आप सेंसिटिव हो जाएंगे, डिप्रेस हो सकते हैं, इसलिए इस चीज़ों से आपने निकलना होगा। ये एक नेचर, मून जब भी सैटर्न के नीचे आता है, मून छोटा है सारा और सैटर्न बड़ा है, तो वो उसको वहाँ पे वो नेगेटिव होता है, तो जब नेगेटिव वो भी बारहवें घर में तो एक तो आप फजूल खर्ची बहुत करेंगे, नंबर एक, नंबर दो डिप्रेस बहुत रहेंगे, नंबर तीन आप नामीदी आप पे चढ़ेगी, इन रुकावटें आप ऐसे करेंगे जैसे रुकावटें आ रही हैं, अफ्रेड ऑफ फेलियर और फिर एकदम टेरी डाल लेना। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपनी क्योंकि ये जब मून और सैटर्न इकट्ठा था तो बंदा मेहनत से काम करता है,
कंसंट्रेशन बड़ी होती है उसके, डिसिप्लिन माइंड होते हैं, पावरफुल कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं ना वो होती है। तो इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ को अपने ऊपर सवार ना होने दीजिएगा और पूरा अपना हार्ड वर्क जो आप करेंगे परफेक्शनिस्ट की तरह काम करते हुए, जब आपके अंदर एक खौफ डर बैठेगा तो फिर होता हुआ काम भी रुक जाएगा। हाँ, यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी नज़र आती है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, मून सैटर्न का कम्बिनेशन ऐसा है कि सैटर्न डिले का लॉर्ड है और हमेशा लेट करता है, तो वक्त का आपने यहाँ पे बहुत ख्याल करना है। अपनी फ्लाइट जो भी है वो इस दिन अगर आपकी है तो वक्फा रखिएगा फ़्लाइट का, कनेक्टेड फ़्लाइट का, क्योंकि आपकी पहली फ़्लाइट लेट हो सकती है, वो आगे जाके मिस हो सकती है, और या एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, गाड़ी ख़राब होगी, कोई ना कोई वजूहत, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके अपने आप को घर से निकलिएगा। तो यहाँ पे आप फजूल अपना बजट ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आप काफ़ी आपको और 2021 अपने अपने आप को कंट्रोल करें। बजट तो ख़राब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि रमज़ान का महीना आ रहा है तो रमज़ान की चीज़ें खरीदते या करते हुए, तो जिसमें फालतू चीज़ें बड़ी कहते हैं अननेसेसरी चीज़ें, वो भी ख़रीद के अपने बजट को आप टाइट करेंगे। एनी हो 22-23, अच्छा यहाँ पे चार सितारे बैठे हैं, चार सितारे, मून, जुपिटर, मरकरी, सन। अच्छा मैं अभी मेरे एकदम दिमाग में आया कि उस दिन रमज़ान भी शुरू होने लगा, तो जब रमज़ान शुरू होता है तो हम लोग वैसे भी हमारा जो मजहबी अकीदा है कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, बंदा ज़हनी तौर पे बिल्कुल सेट हो जाता है और अबादात की तरफ सच बोलना ये करना तो इस पे चला जाता है। वैसे इस पे कहावत है, कहावत तो नहीं वह इसको मंसूब किया है कि एक गोरे ने पूछा कि रमज़ान के महीने में आप क्या करते, कहते रमज़ान में के महीने में हम झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, अबादात करते हैं और अपने आप को ट्यून करते हैं। तो कहते हैं अच्छा आपको कितनी रायत है, आप साल में एक महीना आपने ऐसे करना होता है, हमने तो 12 महीने करना होता है। तो एनी हो तो यहाँ पे इंट्यूशन आपकी बहुत बढ़ जाएगी। पहले देखते हैं पहले का लॉर्ड तीसरे घर में क्या हुआ। तो आपको अच्छा यहाँ पे ना आप थोड़ा सा कह लें कि कुछ चीज़ सीखते हुए, कोई नई चीज़ सीखते हुए, जब भी पहले तीसरे कम्बिनेशन बनता है कोई नई चीज़ें सीखते, तो बी मुस्लिम आप लोग मेरा ख्याल तफसीर पढ़ेंगे, कोई नई चीज़ें पढ़ेंगे, कुरान पाक को पढ़ेंगे, उसके उसको उसमें कुछ ना कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा कोई अपना ज़ार ख्याल भी करेंगे, तलावत करेंगे, इस किस्म के कामों में भी होगा। अच्छा इन तीन दिनों में आप बहन भाइयों के साथ घूमते फिरते नज़र आते हैं, तफरी करते, बल्कि बहन भाइयों के साथ मिलके रोज़ा खोलना, कहीं यहाँ जाना करना और उनको नसीहतें करना भी आपके अंदर होगा। अच्छा कम्बिनेशन बहुत, अब कम्बिनेशन का आप देखेंगे मून और जुपिटर, मून और जुपिटर का कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बंदा बड़ा ऑप्टिमिज्म में चला जाता है, हर चीज़ पॉजिटिव लेता है, सच बोलता है, सीधी बात करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, सिंपैथेटिक होता है, ब्रॉड माइंडेड होता है, वार्म हार्टेड होता है। और जब मून और मरकरी साथ हो तो फिर एक्टिव माइंड, हाईली डेवलप्ड और मेमोरी बड़ी अच्छी करते, फुल ऑफ कॉमन सेंस, एक्सप्रेसिव, तो ये कम्बिनेशन बन गया। फिर सन और मरकरी का कम्बिनेशन बंदा जब सन और मरकरी इकट्ठा हो तो उसकी ओरिटोरिकल एबिलिटी बढ़ जाती है, बोलता बहुत अच्छा, नपतुल्ला, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है। तो ये कम्बिनेशन भी और सन मून का भी कम्बिनेशन, तो इस किस्म के। और जब जुपिटर और मरकरी का कम्बिनेशन देखते हैं कि क्या बनता है, तो वो भी या अच्छा आपको आपकी यानी कि मरकरी की ताकत को और यहाँ पे वो इन्हांस कर देगा, तो आपका दिमाग बहुत काम करेगा, बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, खूब बोलेंगे, खूब आपके साथ लोग बातें करेंगे। तो इसलिए ना यहाँ पे ये जो रमज़ान का महीना स्टार्ट ही होता आपका बड़ा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आप पहला घर है तो मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि ड्यू टू रमज़ान या आप जो भी जिस मज़हब में, तो ये बहुत पॉजिटिव, सेंसिबल, स्ट्रेट और एटीट्यूड पॉजिटिव,
और मेंटल कैपेबिलिटी बहुत हाईली पॉजिटिव और बॉर्न नेचर होगा, विल पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, जिस काम में भी काम करेंगे मुकम्मल करेंगे, प्लान करेंगे, एग्रेसिव होकर काम करेंगे, उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक काम ख़त्म हो जाएगा। और किसी किस्म का गुस्सा नहीं आएगा, टेम्परामेंट नहीं लूज होगा, कोई रैशनेस नहीं होगी, ठंडा कूल काम चिल माहौल होगा और एक रूहानी तौर पे भी चार्ज होंगे। और फिर ऐसा भी लगेगा जैसे मून और जुपिटर ट्रैवलिंग भी कराते हैं, तो कोई ना कोई ट्रैवलिंग भी नज़र आती है। आगे चलते हैं 24, 25। अच्छा, ये दो दिन के बाद फिर जब आपका 24, तो यहाँ पे मून राहु के नीचे आता है और वीनस वहाँ पे मौजूद है, और मून और वीनस का कम्बिनेशन अच्छा बन जाता है जब बंदा कूल माइंडेड होता है और म्यूज़िक और फेयर माइंडेड अच्छा बिहेव करता है हर एक के साथ। बट लेकिन राहु साथ बैठा है, राहु आपको थोड़ा सा क्रट करेगा, मटेरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट आपके अंदर लाएगा, हिपोक्रेसी, स्पिरिचुअल फील्ड, स्पिल्ड पर्सनैलिटी, दिल करेगा मैं रोज़ा रखूं या ना रखूं, रोज़ा तोड़ दूं या रख दूं। तो ये दो किश्तियों में सवार होंगे यहाँ पे। आप थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि दूसरा घर है, दूसरे घर में राहु और वीनस की कम्बिनेशन जब बनता है, वो वीनस यहाँ पे इसका मेडिटेटर अपने घर में बैठा है, फिर भी आप कोई ना कोई दूध से चीज़ें रिलेटेड से कोई ना कोई मसला आ सकता है, ठंडा दूध पी लिया या इस किस्म का ना, तो इसलिए ना अपना रोज़ा में आप अपनी चीज़ों सोच समझ के चीज़ें खाइएगा। वह यहाँ पे आप थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, कोई पैसे अच्छा ये माल खाना भी है, दूसरा घर आपका ससुराल का भी है, तो यहाँ पे आपकी मदर इन लॉ बीमार हो सकती हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ, मदर इन लॉ की सेहत का ख्याल रखना। और दूसरी एक और नसीहत करूँगा कि इनकेस अगर उनको नहीं होती तो वो थोड़ी सी आपके साथ कर्ट भी हो सकती है, आपसे लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकती है, तो इसलिए उनके साथ आपने करना है। यहाँ पे आप बहुत ही रैश, बहुत ही क्विक टेम्पर, एक्सट्रीमस, सेल्फिश होने के चांसेस ज़्यादा है, और यू नो हाउ टू टॉक, तीखा बोलेंगे, गुस्सा आएगा। फिर यहाँ पे आपके अंदर ना एक साशी जेन जिसे कहते, किसी के ख़िलाफ़ क्या कहना, इंतकामी कार्रवाइयाँ आपके अंदर की उठान आएगी, लड़ने भरने को भी पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, राइट आई और राइट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है, और आपका वर्बल एक्सप्रेशन बहुत तीखा होगा, और डाइटिंग हैबिट्स जो है ना वो आपकी बेतुकी होगी, जिससे आप बीमार भी हो सकते हैं, दांतों का मसला भी आ सकता है, मुंह के अंदर भी स्वेलिंग हो सकती है, केतु क्योंकि आपके आठवें घर में, तो पेट का मसला भी आ सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे अपनी डाइट को सोच समझ के, और बोलना भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करना, और अपने आप को कंट्रोल रखना। पैसे भी आएंगे, वो लोग जो रिश्वत लेते हैं, दो नंबरी पैसे लेते हैं, वो बहुत तेज़ होंगे, वो उनको काफ़ी यहाँ पे लूट, अच्छा जो कारोबारी ज़रात है उनकी तो वैसे ही चांदी होगी, लूट मार ये वो, उन लोगों के लिए तो ये दो नंबरी करेंगे और इतने पैसे कमाएंगे कि आप सोच नहीं सकते, और शाम को अच्छी भली दिहाड़ी लगाएंगे। तो ये इस तरह का होगा। 26 का इतवार है, वो मैं अगले प्रोग्राम में शामिल करूँगा, क्योंकि 26, 27, 28 का कम्बिनेशन एक बनता है। तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक, आप लोगों को अल्लाह ताला आपको रोज़े रखने की तौफीक दे, और अगले प्रोग्राम में फिर तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी टोरियन, क्या हाल आपका, आपका ये हफ्ता 20 मार्च से 26 मार्च चेंजेस हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, और दूसरा रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है, 23 को शुरू होगा या 22 को या 23 को, आपको रमज़ान भी मुबारक हो। स्टार्ट आपके 11वें घर से हो रहा है, मून और सैटर्न वहाँ पे है, सैटर्न 8 तारीख को शिफ्ट करके आपके 11वें घर में आ चुका है, तो मून और सैटर्न का कम्बिनेशन और 11वें का लॉर्ड 12वें घर में बैठा, तो रमज़ान के आने से पहले कुछ मामलात को आप ख़त्म, अपने चुपके चुपके पूरे करने की ख्वाहिश में भी रहेंगे, और आप किसी दोस्त जानने वाले से कोई तल्लक छुपाने की कोशिश भी करेंगे, या उन पर सब कुछ लुटाने की कोशिश करेंगे, या शादीशुदा होते भी ये कम्बिनेशन बनता है, वो लोग जो दूसरी शादी खुफिया शादी कर लेते उनके भी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ होंगी। एनी हो, ये 11वां और आपका
ग्यारहवें घर में है तो सैटर्न बैठा है, तो यहाँ पे ग्यारहवें घर में तो मून और सैटर्न थोड़ा सा आपको आपकी जो सोच होगी, आपकी जो इमोशंस होंगे वो अपलिफ्ट होंगे। कभी बहुत ही खुश हो जाएंगे, कभी एकदम डाउन होकर बैठ जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा दयालु हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, बड़ा कह लें कि हार्ड वर्क करेंगे, डिसिप्लिन माइंड होएगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी, बट एक अंदर एक चुल लगी रहेगी कि कुछ होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को कह लें कि लो स्टीम पे जा सकते हैं। इस पर ना जाइए, क्योंकि जब सैटर्न जो होता है ना वो डिले का लॉर्ड है और आपके मामलात को स्लो कर देता है, आप खुद भी स्लो हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे सुस्ती की बोरी बन गए हुए। एनी हो, स्टार्ट आपका ग्यारहवां घर, तो बड़ों के साथ मुलाकात, कुछ बड़ों के साथ एक्टिविटीज़, आपकी शादी तय हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग नज़र आती है और बड़ी संजीदा सी फॉरेन ट्रैवलिंग, जैसे कहते हैं खामोशी से दिल उदास होना, अच्छा सफ़र, जैसे कहते हैं ऐसे ही सफ़र पड़ रहे हैं, सफ़र में मज़ा नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो रास्ते में एक बदमजगी हो सकती है, कनेक्टेड फ्लाइट मिस होगी या एयरपोर्ट पहुँचते देर होगी या आपका जहाज़ लेट हो गया, कोफ्त का ठाना तीन चार चार घंटे इंतज़ार करना पड़े, वो आपकी कोफ्त भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे फिर बैठ कान में आपका प्रॉब्लम आ सकता है, या आपका बाजू दुखना, सामान उठाया होगा तो लेफ्ट बाजू आपका आम गुस्सा आपका कंधा ये भी दुखना शुरू कर देगा, बट अल्टीमेटली यहाँ पे आपको कोई ना कोई बेहतरी आएगी, लेकिन जो कहते हैं ना मूड स्विंग थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, तो टाइम को मैनेज करना होगा आपको। आगे चलते हैं, बारहवां घर है, बारहवां घर में चार सितारे बैठे हैं, सन, मरकरी, जुपिटर, मून, 22-23, बारहवें का लॉर्ड दूसरे घर में। अब ये देखते हैं कि बारहवें का लॉर्ड जब दूसरे घर में जाता है तो आप पैसा कमाना और दूसरों को खुद के लिए इस्तेमाल करके खूब पैसा कमाना और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश आपके अंदर होगा और अपने आप को कीमती चीज़ें, कोई शॉपिंग, कोई इस किस्म के कामों में बहुत होगा, पैसा जमा करने भी आपकी होगी, उसको इतना खर्च भी ना करूं, पैसा भी नहीं करूं, और बचत की ख्वाहिश भी साथ होगी, लेकिन साथ साथ अखराजात भी होते जाएंगे, अखराजात के साथ साथ रुकूम भी बनाते रहेंगे और कुछ नजायज़ पैसे भी कमाने की कोशिश करेंगे। वो हमारा ख़ास तौर पर जो बिज़नेस तबका, जितने वो लोग जो जब रमज़ान आता है तो लूट मार और वो सारे साल की समझते कि रोज़ी इसी में मिलनी है, तो वो उस मामले में ये वो बहुत तेज़ होंगे और खूब तेज़ी से अपना काम दिखाएंगे। फिर भी जुपिटर और सन साथ इकट्ठा बैठा तो दयालु भी हो जाएंगे, यार अच्छा शाम को माफ़ी, चलो ऐसे करते हैं, ओके आज जुपिटर मून सब जब हो जाते तो ऑप्टिमिस्टिक सिंपैथेटिक, अच्छा काट भी कर लेते हैं, साथ साथ लूटमार भी होगी, साथ साथ किसी के साथ हमदर्दी भी होगी, वार्म हार्टेड भी होंगे, तो इस किस्म के कम्बिनेशन आपको काफ़ी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्टिव बहुत होंगे, तेज़ होंगे, रमज़ान का महीना शुरू होगा, बादात में भी आप होंगे और क्या कहते हैं अफेक्शनेट भी कह लें कि मिली जुली कैफियत, बारहवां घर बीच में आ जाता है ना, लेकिन फिर भी आप अपने अखराजात को भी कंट्रोल करेंगे, प्रोफेशन में भी, और अपने आप को एक स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, हिडन अफेयर्स में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जुपिटर है, दो नंबरी नहीं करेंगे, डेट नहीं मारेंगे या गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये दो दिन आप कहते हैं खौफ रमज़ान की वजह से, खौफ अल्लाह की वजह से अपने आप को बहुत स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, फिर भी अंदर एक खुदबुद ज़रूर रहेगी। और फिर आपका जैसे मैंने कहा चार सियारे, अखराजात के साथ आमदनी भी होने की मतवक्को है, लेकिन 24-25 को आपके सेंडन में है और यहाँ पे आपका वीनस आपका अपना सियारा आपके सेंडन में है, लेकिन साथ राहु भी है और साथ मून भी है, तो अजीबोगरीब तबीयत होगी, अजीबोगरीब आपका
और पहले का लॉर्ड पहले में तो आप काफ़ी यहाँ पे मेहनत करते हुए और सोच समझ के फैसला करने की कोशिश करेंगे और ख़ुद ही अपने फैसले करके, तो यहाँ पे आप स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो सकते हैं। कभी बहुत पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होगा और कभी बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको गुस्सा भी आएगा, आप कट भी होंगे, ज़हनी तौर पे साजिश भी, इंतकामी कार्रवाई, फिर दो नंबरी का भी ख्याल करना, अंडर कारपेट भी चलने की कोशिश करेंगे, वो फिर दिमाग में आएगा रमज़ान का महीना ऐसे नहीं करना चाहिए ये वो। तो इस चक्कर में आप अपने आप को ना थोड़ा सा कर्ट और डिप्रेस होने की कोशिश करेंगे, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब राहु वीनस का कॉम्बिनेशन का होता है तो थोड़ी सी घर में डोमेस्टिक इशू तंग करते हैं, डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस जिसे कहते हैं ना, वो रहेगी और कोई ना कोई मसला आपका ट्रिगर कर सकता है जो घर का माहौल ख़राब करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, कोई ऐसा किस्म का डिसीजन ना कीजिएगा जिससे आपका घर का माहौल ख़राब होगा। यहाँ पे मदर इन लॉ के साथ मैच डाल सकते हैं आप। अक्सर ख़वातीन तो रमज़ान के महीने में मैं क्यों उठूँ दूसरी लोगों को, हाँ मैं क्या जाऊँ, मैं क्यों रोज़ा खोलूँ, मैं क्यों चीज़ें बनाऊँ, तो इस किस्म की बहस तकरार बढ़ सकती है। लिहाजा अपने सास के साथ आपने मैच नहीं डालना, नहीं तो फिर आपके ये दो दिन बहुत ही कर्ट किस्म के गुजरेंगे, अच्छे नहीं गुजरेंगे, बदमजगी रहेगी, घर का माहौल ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है आप अपने एक लाइन ऑफ एक्शन में रहिएगा, कोई ना कोई हंगामा राई करने की ज़रूरत है जिससे फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और फिर आप काफ़ी अपने आप को भी कर्ट्स करेंगे और फिर बाद दुआएँ और ये लड़ाई झगड़ा, तो फ़ायदा क्या अपनी तबीयत ख़राब करने का। तो बेहतर है कि आप अपना खामोशी से वक्त गुजारेगा। इस दिन दूध का सदका कीजिएगा और साथ साथ चीनी ज़रूर दीजिएगा तो दिन अच्छा गुजर जाएगा। 26 इतवार है, इसको अगले प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि 26 27 का कम्बिनेशन एक ही बन रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी जेमिनी, क्या हाल आपका, ये हफ्ता आपको कैसा रहेगा? 20 मार्च से 26 मार्च के दरमियान रमज़ान का महीना भी इस हफ्ते आ रहा है, तो आपको रमज़ान का भी मुबारक हो। स्टार्ट आपका 10वें घर से हो रहा है, सैटर्न वहाँ पे बैठा है, तो अच्छा रिजल्ट है, कोई अपलिफ्ट, कोई बेहतरी, कोई आपका कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। पहले हम देखते हैं कि 10वें का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है तो वो आपको क्या फ़ायदा दे रहा है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा एक होंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप थोड़ा सा घबराएंगे, ओवरलोडेड होंगे, कहेंगे कि मामलात को कैसे चलाऊं, किस तरह करूं, अकेले मेरे बस का काम नहीं है। तो इस किस्म के ख्यालात आपको डिप्रेस करने की कोशिश करें जिससे आप थोड़े से ढीले पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर आप कोशिश करेंगे किसी न किसी की हेल्प लें, तो यहाँ पे बहन भाइयों को या अपने दोस्तों की मदद लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको साथ लेके तो कोई ज़िम्मेदारियाँ उनको सौंपेंगे और फिर ट्रेड में बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे शराकतदारी से सिस्टम चलाने से दूसरों की मदद से दिलचस्पी रखेंगे और किसी एक जगह पे टिक के नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। मैं आपको पहले बता दूँ, अब 10वां घर रुतबा मर्तबा सीयत, यहाँ पे आपकी पोजीशन ज़रा थोड़ी सी होगी, अनसर्टनसी होगी क्योंकि मून और सैटर्न का कम्बिनेशन है, तो बाज़ दफ़ा आपके दिमाग में पॉजिटिव ख्याल आएंगे, बाज़ दफ़ा आपके नेगेटिव ख्याल आएंगे। बड़ी मेहनत से काम करेंगे, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत ही जोर मार के काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बट एक चीज़ आपको तंग करेगी, एकदम ग्लूमी हो जाएंगे, पीविश हो जाएंगे और कोई कह लें कि ऐसा लगेगा जैसे कोई ना आपका काम में रुकावट आ रही है, कोई ना उम्मीदी हो रही है, अफ्रेड ऑफ फेलियर, और फिर एकदम टेढ़ी डालेंगे। तो ये चीज़ें इस तरह मतवक़ो कि जब भी मून सैटर्न के नीचे आता तो ये होता है, तो इस चीज़ की परवाह नहीं करनी। ये मैं आपको बता दूँ, मूड स्विंग को अगर आप अपने ऊपर सवार करेंगे तो सारे काम आपके रुकते जाएंगे। तो यही एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह का मूड आएगा तो आपने इसमें ज़्यादा तेज़ी से काम करना है, ज़्यादा आप अच्छा जब मूड नेगेटिव होता है तो बंदा क्रिएटिवनेस, नए नए रास्ते ढूंढता है, बजाय रोना धोना के तो वो और तेज़ काम करे। तो जब आप अपनी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी बना लेना, यकीन करें वहाँ डबल फ़ायदा होता है।
तो कारोबार में अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक मून और सैटर्न जब इकट्ठा तो वही राहु और मून की कम्बिनेशन बनता है, बंदा दो नंबर ही करता है ख़ास तौर पे यहाँ पे जो बिजनेसमैन या जो भी होंगे या साथ साथ ना नेगेटिव मसलन दो नंबरियाँ काम में पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, बहुत प्रॉफिट लेंगे। ये हमारा मुल्क में जब रमज़ान का महीना था तो रेडी वाला से लेके तो इंडस्ट्रियलिस्ट वो सब तोपे निकाल के बैठ जाते हैं कि लुट लो जितना लुट सकते हो तो लुटो। तो ये इस किस्म की पोजीशन नज़र आती है कि लूट मार में भी आपका आप लूट मार करके अपने आप को ऊपर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ साथ आप डिप्रेस भी होंगे। इसलिए अच्छा यहाँ पे आपने कोशिश करना डिले जो होती है ना टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। जहाँ भी जाएं दो तीन घंटे का टाइम रख के निकले, नहीं मतलब आप रोज़ा खोलने जाना है तो रोज़े का टाइम है 6 बजे 6:05 पे, तो घर से निकलेंगे 6:30 तक रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो इस किस्म की चीज़ें आपको ये तंग कर सकती हैं। लेकिन अभी ये 20-21 को रोज़ा तो नहीं होगा, इस तरह से मिसाल दी है मैंने, तो आपने ये दो दिन टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करिए क्योंकि डिले होंगे, ट्रैफिक फंस गए, गाड़ी ख़राब होगी, फ़्लाइट मिस होगी, तो इस किस्म के या आगे कनेक्टेड फ़्लाइट नहीं मिली। आगे चलते हैं, द बेस्ट कम्बिनेशन इन दिस वीक इज़ 22-23 चार सियारे आपके 11वें घर में, मून सन जुपिटर और मरकरी, एक्सीलेंट पोजीशन। एक क्योंकि रमज़ान का महीना मैं कहूँगा, जुपिटर आपके 11वें घर में, तो एक अच्छी सी सोच आपके अंदर डेवलप होगी, पॉजिटिव सोच, मजबी सोच और ऑप्टिमिज्म आपके अंदर होगा, सिंपैथेटिक, ब्रॉड माइंडेड, वार्म हार्टेड जिसे कहते हैं ना, वो आपके अंदर एक जागेगी और फिर आपका दिमाग बहुत काम करेगा। जब भी मून और मरकरी इकट्ठा होता है या सन और मरकरी इकट्ठा होता है या तीनों चीज़ें कम्बिनेशन बनती, तो बंदे की ऑरिटोरिकल एबिलिटी, उसका दिमाग काम करता है, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड उसका बहुत अच्छा होता है, फुल ऑफ कॉमन सेंस, एक्सप्रेसिव, और बंदा हर चीज़ में उसका IQ लेवल तेज़ी से काम करता है। तो 11वें घर को यहाँ पे एक कह लें कि यहाँ पे उठान है, यहाँ पे बहुत जुपिटर और मून की कम्बिनेशन है, तो मुझे तो ऐसे लगता है मोस्टली जेमिनाई चले जाएंगे, ट्रैवलिंग करते नज़र आते हैं, चलो जाके खाना काबा में या मक्का मदीना में रोज़े रखें या कोई ऐसी मजहबी जगह पे, या अपने आप को भी मज़हब में ढाल लेंगे, तो एकदम आपके अंदर एक चेंज आ जाएगी। एक 5 वक्त की नमाज़ें, मस्जिद में जाना, घर में कुरान पाक पढ़ना, इस किस्म के कामों में आपका ध्यान ज़्यादा लग जाएगा। और फिर आपके अच्छा ये जो दो दिन ना आपके एल्डर्स के साथ मुलाकातें बहुत ज़्यादा होंगी, घर में सारे इकट्ठे होंगे और एक टेबल पे बैठ के गपशप लगाएंगे, क्योंकि आजकल जो रिवाज ये हो गया कि किसी के पास टाइम नहीं होता, बड़ा का टाइम लहदा छोटों, तो रोज़ा रमज़ान में ये एक होगा कि शाम को रोज़े के वक्त सब इकट्ठे होते, तो ये इस दिन आपको 22-23 को बड़ों के साथ इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होगा। वहीं पे फिर कोई ना कोई आपकी शादी भी तय हो सकती है और कोई ना कोई फ़ायदा भी हो सकता है। इन दिनों में आपको कह लें कि कोई लिटिगेशन में फ़ायदा और कोई ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे रोल ऑफ वाइफ इन योर डोमेस्टिक इशू बहुत ही अच्छा होगा, भाग दौड़ ये वो एक अच्छा माहौल होगा, और जो भी सोचेंगे जो भी ख्वाहिश करेंगे अल्लाह ताला पूरी करेगा, ऐसे तो दिली तमन्ना पूरी होनी। और जब 11वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है, पहले ये भी देख लेते हैं, तो आप दूसरों की मदद और मदाखलत की वजह से बेहतर पोजीशन पर जा सकते हैं, आप अपने अंदर ख़ास कशिश महसूस करेंगे, मकनातीस की तरह दूसरों की तरफ अपना मुतवजा कर लेंगे, बड़े बहन भाइयों से जुड़े हालात, तलकात, मफाद आपसे जुड़ जाएंगे, आप ख़ुद से चुने हुए दोस्तों के साथ शराकतदारी भी करेंगे और आप लोग आपकी तरफ मुतवज्जो भी होंगे, आपको हर किस्म के मौशी फ़ायदे, सफ़रों के अखराजात के साथ बग़ैर कोशिश के कारोबारी फ़ायद पहुँचाने की कोशिश करेंगे, दूसरे आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि इज्जत व एहतराम और मकनातासी खसूसियात होने की वजह से हर तबका है ज़िंदगी के लोग आपकी तरफ आएंगे। एक अच्छा कम्बिनेशन है, इसका फ़ायदा उठाइएगा और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा।
और जो जिस काम में भी है, जिसकी भी जो चीज़ में, क्योंकि अक्सर सवाल नीचे लिखा था इसका नहीं बताते, इसका बताते, तो एक जो पोजीशन ओवरऑल जो पोजीशन होती है वो उससे आप अपने उसको अपने ऊपर फिट करें तो उस तरफ कोशिश करें तो आपको ये दरवाज़ा खुला, मैंने कहने का मतलब है, तो आप फ़ायदा उठाएँ, दरवाज़ा खुलेंगे, अंदर ही बैठे रहेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना आप ये हुआ दो दिन से उतने ही आपके साथ टफ टाइम गुजरेगा 24-25 को, 12वें घर में मून राहु वीनस, ओवर एक्सपेंडिचर, अखराजात बढ़ जाएंगे, अननेसेसरी आपके अखराजात होंगे, यहाँ पे आप स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो सकते हैं। आपको तसव्वुफ में, मज़हब में सब जाने की भी कोशिश करेंगे और साथ साथ आप दुनियादारी को भी करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो आप अगर जो लाइन अख्तियार करेंगे उसी में डाल जाएंगे। अगर आप नेगेटिविटी में जाएंगे तो नेगेटिव कामों में घुस जाएंगे, अगर पॉजिटिव कामों में जाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे पॉजिटिव बैठा, वीनस साथ बैठा है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिएगा कि घर का माहौल, घर के चीज़ों में आपका थोड़ा सा दूध से बनी हुई चीज़ें ये दो दिन में आपने परहेज करना है, कोई वैसे दूध सोडा ये वो, तो ये आपको ख़राब कर सकता है। डेयरी की चीज़ें, दही प्राणी ना इस्तेमाल कीजिएगा, फ्रेश दही लीजिएगा, वो आपको तंग कर सकती है। और आपको यहाँ पे आप दूसरों की मदद भी करते हुए नज़र आते हैं, और आप अपनी इज्जत में दूसरों पर अपनी शख्सियत और काम की वजह से महारत या सबकत ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप करेंगे उतना ही आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, जितना अगर नेगेटिव जाएंगे, अच्छा यहाँ पे आपके देखें आपको राहु ना नेगेटिव इशू में मिल जाएगा, चल यार डेट मार रही है, चल यार अंडर हैंड पैसे ले लिए, रिश्वत ले लिए, चल यार दोस्ती गैर शरीर रिश्तेदारी में चले जाएँ, तो इस कामों को कंट्रोल करना आपके ऊपर होगा। अगर आप पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहे तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं तो शाम को वो जो कहते हैं ना अंदर एक लगेगी यार मैंने क्या किया, एक अपने आप को कर्ज करना, यार मैंने गलत काम कर दिया, मैंने आज रोज़ों में रिश्वत ले ली, रोज़ों में डेट मार ली, या इस किस्म का, फिर आपको डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो ये दो दिन भाग दौड़ करते हुए भी नज़र आते हैं शाम को थका, क्योंकि राहु भगाता दौड़ाता मेहनत कराता है आपको, तो इसलिए आपने यहाँ पे अपने हेल्थ का भी इशू रखना है जैसा मैंने पहले कहा। अच्छा यहाँ पे अपने पानी को अपने आपके ना यानी कि मून राहु जब, तो आपके जिस्म में पानी की कमी हो सकती है रोज़ों के, क्योंकि 24-25 तीन रोज़े गुजर, तो शुरू में आप अपने अपना वाटर लेवल ज़रूर चेक कीजिएगा, ये ना हो के आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। और ये देखें स्टार्ट रोज़ों का बड़ा दयालु किस्म का, बड़ा पॉजिटिव, लेकिन उसके असरात दो तीन दिन बाद आते हैं, लेकिन फिर बंदा अपने आप को सेट कर लेता है और फिर वो काम चलता जाता है। यहाँ पे आपने किसी के ख़िलाफ़ चुगली साजिश ये नहीं करनी, अंडर कारपेट नहीं चलना, और कोशिश कीजिएगा अपने आप को पॉजिटिव लाइन पे रखिएगा, फिर देखिएगा रिज़ल्ट आपको कैसे मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। जी कैंसेरियन, क्या हाल आपका? ठीक ठाक। ये हफ़्ता 20 मार्च से 26 मार्च के दरमियान क्या होने जा रहा है? स्टार्ट आपका 9th हाउस से, और 9th का लॉर्ड 10वें घर में बैठा है, तो आपकी कोई ख्वाहिश, कोई आपकी अपलिफ्ट, जो भी सोचेंगे कोई ना कोई फ़ायदा होता जाएगा, पैसे पुसे, माशी रुतबा, ये वो सब कुछ होगा, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी, कोई फॉरनर्स के साथ तल्लक होगा, बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, कोई नया कारोबार लगाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई कारोबार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई नया बिज़नेस भी स्टार्ट करेंगे। अक्सर ऐसे कामों में अल्लाह की रहमत मदद आपके साथ देती है, आपका जो भी स्टेप लेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी, और बहुत कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस है। ऐसे होगा जैसे लॉटरी निकल गई, प्राइज बॉन्ड निकल गया और किस्मत बदल गई। अब यहाँ पे मून और सैटर्न है, अब किस, मैंने तो इतनी कुछ बातें बता दी, और मून सैटर्न क्या आते हो, कारोबारी ज़रात जो होंगे वो दो नंबरी ना कीजिएगा, एकदम पैसा ज़रूर आएगा, बेशक मैं आप बताता हूँ, सडन गेन जिसे कहते हैं, एकदम सेल आपकी बढ़ गई, एकदम आपका ये होगा जिससे आपके स्टेटस में इजाफा होगा। बट एक चीज़ रखिएगा, मून सैटर्न जो होता है ना, वरीड, पीवश, ग्रूमिंग,
और इनहैबिटेड और पैसिमिस्टिक बना देता है, ये कम्बिनेशन बंदे को स्लो कर देता है। गो, आप बड़ी ईमानदारी से हार्ड वर्क करेंगे, पूरा कंप्लीट परफेक्शनिस्ट की तरह काम करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन माइंड होगा, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी, लेकिन आपको एक अफ्रेड ऑफ फेलियर और एकदम टेरी डालना ये रहेगा। तो किसी श्राइन की तरफ भी जाते हुए नज़र आते हैं लोगों की। यहाँ पे मैं एक चीज़ और है कि यहाँ पे लोगों की मदद, लोगों को रिज़क बांटते भी, रिज़क देते भी, मतलब रमज़ान का महीना आ रहा है तो राशन देते हुए भी नज़र आते हैं। मे बी आपके यहाँ पे ट्रैवलिंग मस्ट भी ट्रैवलिंग नज़र आती है, तो आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बैठ के आप रूहानी तौर पे चार्ज और जाके करें। एनी हो, ओवरऑल यहाँ पे रिसर्च वर्क में बहुत फ़ायदा होगा। 12वां आपका 9th हाउस है और चैरिटी और लीगल इशू में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। आपका विजडम बहुत अच्छा होगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी और फेथ इन रिलीजन। अब जब रमज़ान का महीना आता है तो शैतान को वैसे बंद कर दे दिया जाता है, तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, आपका नेचुरली होगा। इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, बट आप मून सैटर्न डिले का लॉर्ड है तो अपने टाइम मैनेजमेंट को आपने ज़रूर देखना होगा। आगे चलते हैं, द बेस्ट 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 कम्बिनेशन, 10वां घर, सन जुपिटर मरकरी मून आपके 10वें घर में 23rd मार्च को, एंड इट इज़ एक्सीलेंट कह लें कि यहाँ पे आपको कहते हैं अल्लाह ताला की रहमत, ऊपर बारिश एक तो होती है ना, कतरे कतरे से दरिया बनना, एक होता है बारिश की वजह से सैलाब आना, तो पैसों स्टेटस का सैलाब आ सकता है, कारोबार में इजाफा हो सकता है, इस किस्म का आप होगा। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा 10वें 12वें का कम्बिनेशन में आपको थोड़ा सा अलर्ट कर दूँ कि जब 10वें का लॉर्ड 12वें घर में जाता है तो गैर शरई गैर ज़रूरी ये अखराजात को आपने करना, कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, आपने उस नेगेटिव कामों की तरफ देखना ही नहीं, ये अपना आपने करना, ठीक है ना। तो इसलिए कोई छुप कर ख्वाहिशात नफसियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए ना जाएंगे ना, तो उस पर आप ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं और जिससे कारोबार और माशी हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ने आप पे रहमत की बारिश, पैसे की बारिश, स्टेटस की बारिश करनी है, क्या ज़रूरत है गलत कामों की तरफ जाना। रमज़ान का महीना शुरू होगा, आपको अल्लाह ताला ने नवाजना है, यहाँ पे आपके स्टेटस में आपको अच्छी खबरें सुनने की, प्रमोशन की खबर मिल जाएगी, आपको कोई अच्छी पोस्टिंग की खबर मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपका जो माइंड सेट होगा बहुत ही नॉर्मल होगा, दयालु किस्म का होगा, हेल्पिंग होगा, लोगों की सॉफ्ट स्पोकन होंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को आप कहते हैं वार्म हार्टेड होंगे, यहाँ पे एक काइंड हार्टेड ह्यूमैनिटेरियन व्यूज़ आपके होंगे। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, दिमाग बहुत काम करेगा आपका, साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड, बोलने की सलीहियत आपकी बहुत अच्छी है। वो लोग जो बोल के बिजनेस कमाते हैं, जो मार्केटिंग के, उनकी तो मौजें होंगी, यहाँ पे पैसा बहुत आएगा। जुपिटर यहाँ पे बैठा, अब जुपिटर जहाँ बैठता है उसी रंग में डाल जाता है, सन को उठा देगा, मरकरी को उठा देगा, मून को उठा देगा। अब सन रिलेटेड टू आपके गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट को ये वो सारा, तो इसलिए गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं या जॉब करने वाले लोग, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। मरकरी आपका कमर्शियल बिजनेस में फ़ायदा, आपका ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, कॉलेज स्कूल कारोबार में जो भी होगा, जो भी आप कारोबार करते हैं उसमें भी। मून आपका आपको सामने ही आप, और बहुत ठंडा दिमाग, बहुत ही पॉजिटिव दिमाग होगा। जितना पॉजिटिव आप होंगे उतना ही 24-25 को आप थोड़ा सा कर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा तेज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवलिंग भी पड़ सकती है। बट यहाँ पे आप पॉजिटिव लें, क्योंकि वीनस अपने घर में बैठा साथ राहु, राहु भी यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, आपको सडन फ़ायदा, सडन कोई ना कोई आपको यहाँ पे होगा। लेकिन थोड़ा सा आप कहते हैं कि एक बस क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, अनसर्टेनिटी का शिकार हो सकते हैं, इंग्लिश में आप याद आ गया मैं, तो वहाँ से फिर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। आप अपने आप को स्प्लिट पर्सनैलिटी में नहीं लेके जाना, अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन में रखिएगा। यकीन करें यहाँ पे आप जो मांगेंगे जो लेंगे, 11वां घर होप्स का है, आपके उम्मीदों का है, आपके एम्बिशस का है, विशेस का है,
तो बेहतर है पॉजिटिव तरीके से आप ले लें। ज़रूर आपने लड़के घबरा के और दो नंबरी काम करके आपने लेना, तो यहाँ पे आप अपने आप को मजबूत रखिएगा, अपने आप को सुकून में रखिएगा, अपने बड़ों के साथ इंटरेक्शन कीजिएगा, बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन कीजिएगा। बड़ी बहन के साथ प्रॉब्लम आ सकता है उसके साथ। अच्छा, आपके रवैये की वजह से घर में माहौल थोड़ा सा टेंस हो सकता है। आप डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस वीनस के जो, तो वो उसकी वजह से ना आपने किसी के साथ बद लियाजी या मुँह मारी नहीं करनी, जिससे घर के माहौल में थोड़ा सा फिर आप डिप्रेस होके बैठ जाएंगे, फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो बेहतर अच्छा, और दूध से बनी हुई चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डेयरी वाली दूध दो नंबर मिल जाएगा जिससे आपका प्रॉब्लम आ सकता है, दही पुरानी मिल जाएगी जिससे आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। दूध सोडा पीने लगे बोता ना पी लेना। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक हो, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।